इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मोहब्बत की निशानी ताज महल की जमकर तारीफ की। ताज का दीदार करने के बाद बेंजामिन और उनकी पत्नी सारा ताज महल की सुंदरता की मुरीद हो गए। प्रधानमंत्री बेंजामिन और उनकी पत्नी सारा ने ताजमहल की डाइनर टेबल पर बैठकर फोटो भी खिंचवाई। ताजमहल विजिट पर उनके साथ रहे ऑफिशियल गाइड नितिन ने बताया कि इजराइल पीएम को ताजमहल की सुंदरता और भव्यता खासी पसंद आई है। वो ताजमहल में करीब 1 घंटा 45 मिनट रहे और ताजमहल के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त की। उन्होंने काफी एंजॉय की अपनी विजिट, सारे फोटोग्राफ्स भी खिंचाए डाइना बेंच पे। उसके बाद उन्होंने ताजमहल की हिस्ट्री में, उसकी वास्तुकला में, उसकी जो ताजमहल में जो इनले वर्क का काम है उसमें काफ़ी अपनी दिलचस्पी दिखाई। जी, कैसा ताजमहल लगा, उन्होंने क्या अनुभव अपने शेयर किए? उन्होंने ताजमहल को देख के उन्हें बड़ी खुशी हुई और उनका जो उनके मुँह से जो शब्द निकले वो थे मार्वेलस, वंडरफुल। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ताजमहल से निकलते वक्त ताजमहल की विजिटर बुक में ताजमहल की तारीफ भी की। मोहब्बत की निशानी ताजमहल की तारीफ किए बिना इजराइल के पीएम भी नहीं रह सके। उन्होंने ताजमहल की विजिटर बुक में लिखा कि ताजमहल जैसे सुंदर और भव्य स्मारक दिल को छूने वाला है। इसकी सुंदरता और भव्यता की उन्होंने दिल से सराहना की। वहीं उन्होंने दोबारा ताजमहल आने की भी इच्छा जाहिर की। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रजभूषण।